नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में उद्योग की आंधी लाने की तैयारी हो रही है। यही कारण है कि बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जब से विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही बिहार में निवेशकों के रुझान को बढ़ाने को लेकर पहल शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार में इथेनॉल उत्पादन को भी बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में अब बिहार वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिससे बिहार में रोजगार के बड़े अवसर को जमीन मिलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिहार में रोजगार के बड़े अवसर आने वाले हैं, क्योंकि राजधानी पटना में 3 बड़े इंडस्ट्री की स्थापना होने वाली है, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है। इसको लेकर पटना में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 क्लस्टर का चयन कर लिया गया है, जो कि 30 करोड़ की लागत में बने होंगे। इसके बन जाने के साथ ही बिहार के करीब 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि 30 करोड़ की राशि से बनने वाले तीनों क्लस्टर के DPR की स्वीकृति दे दी गई है। जानकारी के अनुसार तीनों क्लस्टर में विश्व स्तरीय मशीन, उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली कच्चा माल और काम करने वाले कुशल श्रमिकों को कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उत्पाद के संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें LED बल्ब क्लस्टर पटना सिटी, स्टील फर्नीचर क्लस्टर गुलजारबाग, लेदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर फतुहा का नाम शामिल है। आपको ये भी बता दें कि बिहार सरकार के अथक प्रयास के कारण बिहार में उद्योग का माहौल बनता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतरीन तालमेल बनने से उद्यमियों की दिलचस्पी बिहार में तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग समेत कई क्षेत्रों में उद्यमियों की दिलचस्पी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसके साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 400 करोड़ के मेगा फूड पार्क के बाद अब 5 मिनी फूड पार्क भी बिहार को मिलना तय हो गया है। इसके अलावा इथेनॉल उत्पादन को लेकर शहनवाज ने दावा किया है कि बिहार इथेनॉल से संबंधित नीति पेश करने वाला पहला राज्य था और अन्य राज्य भी इसका पालन कर रहे थे। उनके मुताबिक COVID-19 महामारी से अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद बिहार पिछले 6 महीने में 33,973 करोड़ रुपए के 450 निवेश प्रस्ताव को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। सरकार ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। यकीनन बिहार असीम अवसरों वाले राज्य के रूप में उभरा है और भविष्य में विकास चार्ट का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, जिससे बिहार में बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों को नौकरी की तलाश में बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। अब लोग बिहार में अपने परिवार के पास रहकर ही कमा खा सकेंगे। हर साल बिहार में उद्योग के अभाव के कारण ही भारी संख्या में लोग बिहार से पलायन करके बड़े शहरों में जाकर नौकरी करते हैं। लेकिन अगर जिस हिसाब से बिहार सरकार बिहार में नौकरी के नए अवसर पेश कर रही है, साथ ही उद्योग की स्थापना कर बिहार को आत्मनिर्भर बना रही है, ऐसे में आने वाले समय में यकीनन रोजगार की परेशानी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही अपने चुनावी वादे में बिहार में रोजगार की आंधी लाने का दावा किया था। ऐसे में सरकार की इस नई नीति से लोगों को राहत जरूर मिलेगी, बशर्ते सरकार की कथनी करनी एक समान हो। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।